गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास नाइन्थ के सिक्स चैप्टर जो कि लाइंस एंड एंगल्स, उसके जो एक्सियम्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। इनकी जो स्टेटमेंट दे रखी हैं इसको मैं समझाऊँगा, जितने भी एक्सियम्स इसमें दे रखे हैं एक्सियम्स, ठीक है। पहला 6.1 कहते हैं इफ़ आ रे। अब रे की बात करें, रे एक ऐसी चीज़ होती है जिसका एक एंड पॉइंट पता होता है, एक नहीं पता होता। कह रहे इफ़ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, तो हम क्या करेंगे, वो कह रहे हैं इफ़ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन। मैं इसको डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पूरी, फिर उसके बाद हम उसको ड्रॉ करते हैं। इफ़ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म इज 180। वो कह रहे हैं अगर एक रे है, एक लाइन के ऊपर खड़ी है, ये एक हमने लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर एक रे खड़ी है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट पता है, उसका एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है, ठीक। तो वो क्या कह रहे हैं, फिर से पढ़ रहा हूँ, इफ़ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, इफ़ आ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, ये लाइन के ऊपर ये रे खड़ी है, ठीक। देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट, सम ऑफ द टू एडजेसेंट, इसका सम और इसका सम क्या होगा, हमारा एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज 180। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, हमारा 180 होगा, ये हमारी पहला एक्सियम कह रहा है। क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी किसी को, अगर होगी तो आपको इनसे कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट एक्सियम जो नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी में दे रखा है उस पर हम ध्यान देते हैं। ये दे रखा है 6.2 है, इफ़ दी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, कह रहे हैं अगर अगर दो पड़ोसी एंगल का सम 180 है देन दी नॉन कॉमन आर्म, जो कॉमन जो आर्म जो जो साइड है जो लाइन है जो कॉमन नहीं है ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन, वो क्या बनाएगी, लाइन बनाएगी। जो हमने अभी एक्सियम पढ़ा ऊपर वाला उसका जस्ट अपोजिट है, जे मैं समझाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं, अगर दो एंगल का सम 180 है, ठीक है, दो एंगल्स का सम, जैसे ये दो एंगल का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 होगा, जो वो कह रहे हैं ये आर्म तो कॉमन है, वो कह रहे हैं जो आर्म जो लाइन कॉमन नहीं है वो क्या बनेगी, वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये तो आंसर है एक्सियम 6.2 का, ठीक है। अगर इस अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सियम कौन से पेज पर दे रखा है एनसीईआरटी के। ओके, ये दे रखा है 6.3 है ये, ठीक। 6.3 की बात हो रही, कह रहे इफ़ अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल जैसे ये लाइन है, ठीक है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन थी इसके बीच में से एक लाइन निकली, ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। जैसे ये दो लाइनें जा रही हैं इनको ये टच करके जाती हुई एक लाइन क्या कहती है, ट्रांसवर्सल होती है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब शू के निकल गई या काट के निकल गई, टू पैरेलल लाइन, जैसे ये ट्रांसवर्सल ने इन दोनों पैरेलल लाइन को टच किया, देन ईच पेयर ऑफ क्रॉसपर्नी एंगल इज इक्वल। फिर उसके बाद कह रहे हैं क्रॉसपर्नी एंगल क्या इक्वल होंगे, जैसे इस फिगर में मैं समझाऊं तो इस फिगर में क्या होंगे, ये जो एंगल है मैं पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और जो अंदर वाला एंगल मैं इसको डबल कर देता हूँ, ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक। ये क्रॉसपर्निंग एंगल होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये क्रॉसपर्निंग है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये क्रॉसपर्निंग एंगल है। अगर मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये चीज़ आपने सेवन्थ क्लास में सीखी होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें, तो ये एंगल वन किसके बराबर है, एंगल टू के बराबर, ये एंगल टू इधर वाला, ठीक, और ये अंदर वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। क्रॉसपर्निंग, ये इसके क्रॉसपर्निंग है, ये इसके क्रॉसपर्निंग होगा, ऐसे इधर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये बाहर वाला एंगल क्या होगा, ये इसके बराबर होगा, ये क्या है, क्रॉसपर्निंग एंगल है, क्लियर। तो ये तो था एक्सियम 6.3। अब एक्सियम हमारा पास है नीचे 6.4, फिर से ट्रांसवर्सल की बात हो रही है, कह रहे इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ क्रॉसपर्निंग एंगल इज इक्वल। ऊपर वाले में वो कह रहे थे कि क्रॉसपर्निंग एंगल बनता है जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल पास करती है, दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल पास करती है तो वो क्रॉसपर्निंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वाले में बात हुई है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काटती हुई निकलती है, देन अ पेयर ऑफ क्रॉसपर्निंग एंगल आर इक्वल, देन that a pair of cross-burning angle is equal then the two lines are parallel। तो कह रहे हैं अगर ये एंगल इक्वल हैं हमारे पास, जो क्रॉसपर्निंग एंगल अगर वो इक्वल होंगे तो ये दो लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ऊपर वाले में उन्होंने लाइनें पैरेलल दे रखी थी तो एंगल इक्वल थे, यहाँ पर एंगल क्रॉसपर्निंग इक्वल दे रखे हैं हमें तो ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो ऐसे करके ये कोरिलेट है, क्लियर। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ लेना मेरे को, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं, है नहीं हमारा, ठीक है।
देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है हमारे पास, यही थे इसके आइजम थे जो मैंने सारे एक्सप्लेन आपको कर दिए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट करके पूछ लेना। तो इसमें चार ही आइजम थे जो मैंने चारों आपको एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि थ्योरम्स का जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि सारे थ्योरम की जो लैंग्वेज है बच्चों को कन्फ्यूज़ करती हैं, क्योंकि थ्योरम प्रूव करना तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं एटलीस्ट थ्योरम की स्टेटमेंट्स आपको प्रूव कर मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या थ्योरम कहते हैं, ये आपको याद रखनी है। आइजियम्स भी आपको याद रखने हैं, थ्योरम्स भी आपको याद रखने हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है दिमाग में एक्सरसाइज करने से पहले। क्लियर? तो बहुत जल्द मिलते हैं थ्योरम्स के थ्योरम की स्टेटमेंट के एक्सप्लेनेशन के साथ। थ्योरम का प्रूफ नहीं करूँगा, थ्योरम की स्टेटमेंट्स का एक्सप्लेनेशन मैं ज़रूर दे दूँगा बच्चों को। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।